नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत बरतानी हुकूमत की दास्ता से आजाद हुआ था, तब किसने कल्पना की होगी कि सांसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 81 करोड़ मतदाताओं का निबंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला है। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचा वाले देश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। आज हम अपनी चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, यह भाव तब रोमांच पैदा करने वाला रहा होगा। वास्तव में आजादी के बाद हमारा पहला आम चुनाव इसी रोमांचकता के सामूहिक मनोविज्ञान में संपन्न हुआ था। उस समय के समाचारों, नेताओं के भाषणों आदि को देखें तो इस मनोविज्ञान का एहसास हो जाएगा। नव स्वतंत्र देश का लोकांतरीकरण यानी पूरा उत्सव का माहौल, खुद मुख्तारी के भाव से सराबोर समूचा भारतीय समाज मानो अंग्रेजों को छुटलाने तथा दुनिया को लोकतंत्र के लिए अपनी काबिलियत साबित कर रहा हो। वह समाज जिसे अंग्रेजों ने एक ऐसा समाज कहा था जो लोकतंत्र को न बचा पाएगा, न इसे संभाल कर आगे बढ़ा पाएगा। लोकसभा के 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का निबंधन हुआ। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। आज ही के दिन यानी 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने चली उस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा, अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इसने स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। समकालीन साहित्यकारों में प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथाकार मृदुलकर का जन्म आज के दिन 25 अक्टूबर 1938 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमए किया था। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की उन कुछ खास लेखिकाओं में से एक है जिन्होंने अपने लेखन के जरिए स्त्री संघर्ष के विविध पहलुओं को चित्रित किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा स्त्री पुरुष संबोधनों में नए आयामों पर प्रकाश डाला है। मृदुला गर्ग ने लगभग सभी विधाओं में रचना की। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंधन, यात्रा संस्मरण तथा कटाक्ष इत्यादि पर लेखन कार्य किया। उनके उपन्यासों में चित्ता कुबारा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब प्रमुख है। इसके अलावा कहानी संग्रह में कितनी कैदे, डैफोडिल जल रही है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी उर्फ सैम, ग्लेशियर से शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, संगीत विसंगति, जूते का जोड़, गोभी का तोड़, 4 नाटक, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदे और सामदाम दंडभेद प्रमुख है। इसके अलावा निबंध संग्रहों में रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल तथा कृति और कृतिकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा कुछ अटके, कुछ भटके, यात्रा संस्मरण है। उनके प्रमुख व्यंग संग्रह में कर लेंगे सब हजम तथा खेद नहीं है प्रमुख रूप से प्रकाशित हुए हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी। इस गीत को लिखने वाले मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी का हिंदी सिनेमा और उर्दू शायरी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही वजह है कि इतने बरस बाद भी उनकी शायरी और नज्म लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में और निधन आज ही के दिन 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में हुआ था। लुधियानवी और अमृता प्रीतम की प्रेम कहानी मशहूर लव स्टोरी में से एक है। दरअसल साहिर जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें अमृता प्रीतम से प्यार हो गया था। यह प्रेम विफल रहा। कहा जाता है कि साहिर मुसलमान थे, इस वजह से अमृता के माता पिता को यह प्रेम रास नहीं आ रहा था। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि अमृता के पिता के कहने पर साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया था। साहिर ने लिखा है कि जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। दुनिया का इशारा था लेकिन समझाना इशारा दिल ही तो है।
साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। उन्होंने साहिर नाम खुद रखा था जिसका मतलब होता है जादूगर, और चूंकि वह लुधियाना के रहने वाले थे इसलिए लुधियानवी नाम रखा। इस तरह उनका नाम साहिर लुधियानवी हो गया। साहिर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खालसा हाई स्कूल में पूरी की और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। गुलजार साहब से भी पहले हिंदी सिनेमा में अगर उर्दू पर किसी को महारत हासिल थी तो वह साहिर थे। मशहूर पंजाबी लेखक साहित्यकार अमृता प्रीतम और साहिर की प्रेम कहानी से सभी रूबरू है। दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की। साहिर उनकी कविताओं को पसंद करते थे। अमृता से प्रेम करने की वजह से साहिर को साल 1943 में कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि अमृता के पिता दोनों के रिश्ते से राजी नहीं थे। दरअसल साहिर मुस्लिम थे और अमृता सिख, इसलिए उनके पिता को यह संबंध मंजूर नहीं था। साहिर के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था जिसकी वजह से उनका जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। साहिर ने 22 साल की उम्र में अपनी शायर की पहली किताब तल्किया 1943 में प्रकाशित की। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।